बिहार में राजनीतिक रूप से जो कुछ भी हो रहा है उसकी एक एक खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। इधर बीच में आपने देखा होगा कि सदन की कार्रवाई चल रही है और इस छोटे सदन में भी यदि कोई मंत्री सदन छोड़ करके दिल्ली रवाना हो जाए तो मामला जरूर गंभीर है। मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ उस बात को लेकर के जहाँ एक तरफ बहुत सारे नेताओं ने, बहुत सारे दल ने उनका समर्थन किया कि मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, एक मंत्री के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन वहीं भारतीय जनता पार्टी जो कि मुकेश सहनी के साथ है और सबसे ज़्यादा करीब है, उसने कई तरह की बातें कही हैं। इन सब बातों से नाराज़ मुकेश सहनी के पार्टी के भी टूटने की जो बातें चर्चाएं चल रही थी उसको लेकर के भी अब बहुत सारी बातें होने लगी हैं। जहां एक तरफ मुकेश सहनी का कहना यह है कि उनकी पार्टी पूरी तरह से इंटैक्ट है, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है, वहीं उनके जो विधायक हैं उनके बयानों ने कहीं ना कहीं विरोधाभास जरूर पैदा कर दिया है। उनके विधायकों की जो बात सामने आई है मीडिया में, जो उन्होंने कहा है उसमें सभी विधायक नहीं लेकिन कुछ विधायक ऐसी बातें कह गए जिससे लग रहा है कि मुकेश सहनी के साथ सब कुछ ठीक नहीं हो रहा है। वहीं दूसरे ही दिन मुकेश सहनी के साथ उन्हीं विधायकों की तस्वीरें सामने आई जिसमें वो साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं। मुकेश सहनी ने साफ तौर पे कहा था कि जो भी पर्दे के पीछे से उनकी पार्टी और उनके विधायकों को बरगलाने और तोड़ने की कोशिश कर रहा है वो उसे छोड़ेंगे नहीं, जला डालेंगे। इस सारी बातों के बाद मुकेश सहनी विधानसभा का कार्यकाल छोड़ करके दिल्ली रवाना होते हैं। कहा यह जा रहा है कि दिल्ली में उनकी मुलाकात अमित शाह से होनी है। इन सारी बातों के बाद उनको कल ही लौटना था लेकिन अचानक से मुकेश सहनी रुक जाते हैं और उनके दिल्ली रुकने पर चर्चाएं तेज हो जाती हैं। इस बीच में एक खबर आती है, लालू प्रसाद अपने घर से निकलते हैं और बाहर निकल करके गाड़ी में उनसे पत्रकार की मुलाकात हो जाती है। पत्रकार जब उनसे पूछते हैं कि मुकेश सहनी नाराज हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है इससे क्या असर पड़ेगा बिहार की सरकार पर, सीधी तौर पर लालू प्रसाद जो कि मजे हुए राजनीतिज्ञ हैं वो बातों को गोल कर देते हैं। लेकिन लालू प्रसाद का घर से बाहर निकलना इस अवस्था में निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं के लिए, खास करके आरजेडी के, बड़ा ही सुखद है क्योंकि लंबे समय के बाद इतनी सारी बीमारियों से जूझते हुए लालू प्रसाद घर से बाहर निकले हैं तो निश्चित रूप से वो अब पहले से काफ़ी बेहतर हैं। उन्होंने मुकेश सहनी वाले मामले पर भी अपनी बात रखी और साफ तौर पर कहा कि मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ। अगर मुकेश सहनी घुटन महसूस कर रहे हैं तो उन्हें फैसला लेना चाहिए, इसमें देर नहीं करनी चाहिए। इन सारी बातों के बाद मुकेश सहनी कल दिल्ली से पटना आने वाले थे लेकिन अचानक से उनका कार्यक्रम जो है वो दिल्ली में ही रहने का और कई लोगों से मुलाकात करने का रहा। अब कितने लोगों से और कौन कौन लोग से मुलाकात करेंगे ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। इन सारी बातों ने बिहार की राजनीति में उथल पुथल जरूर पैदा कर दिया है। इसी बीच कहीं ना कहीं एक और बात सामने आ गई है कि इस बीच तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात में दिल्ली एक साथ सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रस्ताव लेकर के जाने वाले हैं। एक तरफ जहां मुकेश सहनी दिल्ली रुक जाते हैं उससे भारतीय जनता पार्टी ने तो अपना पल्ला झाड़ लिया है कि उनके रहने और बाहर निकलने से कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन इसका असर नीतीश कुमार पर ज़रूर पड़ेगा। यदि मुकेश सहनी बाहर हो जाते हैं तो नीतीश कुमार की कुर्सी डगमगाने लगेगी। अब ऐसी स्थिति में देखना ये होगा कि क्या मुकेश सहनी का जो दावा है कि उनके सभी विधायक उनके साथ हैं या फिर उनके साथ भी वही खेला हो जाएगा जो चिराग पासवान के साथ हुआ, क्या होगा ये तो भविष्य बताएगा। लेकिन मुकेश सहनी दिल्ली में हैं और बैठकों का दौर जारी है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, पूरी खबर पे हमारी नज़र बनी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओ ये एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 8167 00। धन्यवाद।